और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मंदसौर जिले से, जहां पर आजाद क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, वर्तमान समय में खेल जगत में युवाओं के आकर्षण का केंद्र माना जाता है क्रिकेट मैच। इसी आकर्षण के चलते ग्राम पलासिया के युवाओं ने पलासिया में आजाद क्लब क्रिकेट टीम के द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश व राजस्थान की 34 टीमों ने लिया भाग। IBN 24 न्यूज के लिए श्याम राव की रिपोर्ट। ये जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ खास रहा इस टूर्नामेंट में? पलासिया में आजाद क्रिकेट क्लब द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 32 गांव की टीमें सम्मिलित हो रही है। हमारे यहां पर 3,500 रुपए आए थे ग्राउंड के लिए, जिसमें सरपंच ने बहुत ही सहयोग किया है। 2 बार इस ग्राउंड का कार्य किया गया। टूर्नामेंट में किस प्रकार से रहा आयोजन और फाइनल में क्या कुछ इनाम है इसमें? टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही अच्छा चल रहा है। 17,500 रुपए फर्स्ट इनाम है जो टीम विजेता रहती है उसके लिए, और सेकेंड इनाम है 8,000 रुपए। आज किस किस गांव की टीमों के बीच में मुकाबला है? देवल जी और लसुड़िया का मैच चल रहा है अभी, और एक मैच बड़ाइला सरवण और रामनगर के बीच हो चुका है, जिसमें बड़ाइला सरवण विजेता रही है। क्या कुछ खास देखने को मिला इस टूर्नामेंट के दौरान आपको? इस टूर्नामेंट में बहुत ही रोमांचक मैच भी हुए हैं। 2 रन से भी हार जीत हुई है। सुपर ओवर में भी गया है मैच। बेपुर वर्सेस फ्रेंड्स क्लब का मैच सुपर ओवर में गया था, जो शुरू दिन हुआ था। आपका नाम? महेंद्र सिंह सिसोदिया। आपका नाम? बंटी राणा। यहाँ पर आप टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं, मैच खेलने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसा यहाँ खास लगा आपको, क्या कुछ खास लगा? नहीं, बढ़िया रहा प्रोग्राम, ग्राउंड भी अच्छा है और समिति भी बढ़िया लगी यहाँ की। अच्छा रहा मैच भी, हमने कोशिश भी अच्छी की, मैच भी अच्छा खेले हम, और सबका अच्छा सपोर्ट रहा।